श्री अरदास कुंज विहारी, मैं 037। आज आपको एक ऐसा जो जीवन में हमको जो तैयारी तैयारी वो होती है जो हमको उसका रेट आगने वाले समय हमको हमारे अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि तैयारी फेल तो जीवन अधूरा है, सपने अधूरे हैं। अब जैसे हमारा जो एक विषय होगा वो एक विषय क्या होगा कि हम तैयारी करते हैं, और तैयारी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 2 से 3 महीने 4 महीने जैसी तैयारी वैसा हमको समय देना पड़ता है, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो हमारी तैयारी का रिजल्ट होता है। आज हमारा जो एक विजन है वो विजन क्या कहता है कि हम आज इस लोक की और परलोक की दोनों लोकों की तैयारी करेंगे, और आपको एक अलार्म मिलेगा खतरे का कि हमारी तैयारी क्या कारगर है, क्या सफल है, कहाँ हम सही है, कहाँ गलत है। इसके लिए मैं आज एक ही रास्ता आपको दूंगा, तैयारी हो परंतु कैसी हो, उसके लिए हमको चेतना हमकी कब जगेगी, क्योंकि तैयारी बिना हमारा जीवन अधूरा है। उस अधूरे जीवन में कुछ आशा की किरण भरने के लिए मैं आपका प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा जो कार्य है नर सेवा ही नारायण सेवा है, क्योंकि सेवा किसी भी रूप में हो, किसी का भला कर सके, किसी के जीवन में परिवर्तन ला सके, वही सेवा नर सेवा नारायण सेवा है। और मेरी तैयारी जो मेरा रीजन क्या कहता है और मेरा दिल और हृदय की बात क्या कहती है, उस बात के लिए मैं आपको छोटा सा एक जो अपने हृदय की बात है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हम किसी भी यात्रा पर जाते हैं, चाहे बिजनेस की यात्रा हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, किसी भी विषय से अगर हमको शहर से बाहर जाना है, जो सफर केवल 15 से 18, 20, 22, 30 घंटे का सफर है, उसकी तैयारी के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमको सबसे पहले महालक्ष्मी की कृपा है, वही आनंद हमको जीवन में मिलता है। क्यों? बिना कृपा के और बिना शक्ति के कोई आनंद संसार में है ही नहीं, और वो कृपा माँ लक्ष्मी यह लौटाती है। उस कृपा का आनंद आपको मैं दिखाता हूं किस तरह से आप उसका उठा रहे हैं, परंतु आपका ध्यान उन कृपा पर नहीं जा रहा, क्योंकि यही जीवन है। कृपा को हमको समझना पड़ेगा, कृपा मिलती कहां से है, उसके लाभ क्या है और उसके नुकसान क्या है। पहली कृपा मिलती है हमको कहां से, लक्ष्मी के रूप में, जो हम आनंद ले रहे हैं। आज हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, और सारे सपने पूरे हो रहे हैं किससे हो रहे हैं, महालक्ष्मी मैया की कृपा से। अगर हम 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ही हम पर लक्ष्मी की कृपा है वही हमारा विजन होता है, वही हमारी समझ होती है, वही सुविधा हमको चाहिए। पहला होता है कि हमको ट्रेन के माध्यम से यात्रा करनी है, और यात्रा ट्रेन से करनी तो क्या होगा, जैसा पैसा है वैसे ही सपने हैं। पैसा कम है तो हम कहेंगे 3 टायर में हमको यात्रा करनी है, उसके लिए हमको 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराना है। और महालक्ष्मी मैया की कृपा ज्यादा है तो हमको 3rd AC में चलना है, और अच्छी कृपा है तो 2 टायर 1st AC को परमानंद चाहिए हमको, क्योंकि लक्ष्मी हमारे पास कृपा करनी तो हमको आनंद बढ़ाती है और वैभव बढ़ाती है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, जब कृपा हो रही है तो उसका हम आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कृपा महालक्ष्मी मैया की हो रही है हमारे ऊपर, उसके लिए हमको तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। और तैयारी वो उस लेवल तक भी पहुंच सकती है, मेरे प्रभु जब ज्यादा कृपा करते हैं तो वो विज्ञान के माध्यम से आप हवा में भी हवाई यात्राएं कर सकते हैं, क्योंकि सब कृपा प्रभु की चल रही है और महालक्ष्मी मैया का आनंद चल रहा है। अब ये तैयारियों के लिए हमको जो करना पड़ रहा है उसका रीजन क्या कहता है, हमने ये सारी तैयारी करी 2 से 2.5 महीने के, 3 महीने के लिए, वो तैयारी इस जीवन की नहीं है, इस लोक के लिए कर रहे हैं, परलोक के लिए भी कोई तैयारी, क्योंकि हमारा जीवन है किसके लिए, केवल यही जीना है। एक गलती हमको जनरल का रास्ता दिखा सकती है, क्योंकि अगर हम अलर्ट नहीं हुए तो उस ट्रेन के अंदर 3rd AC 1st AC नहीं होगा, आपके लिए जनरल डिब्बा इंतजार कर रहा होगा। क्यों? एक तैयारी फेल, एक जीवन खत्म, एक यात्रा खत्म, क्योंकि तैयारी हमारा आने वाला संकेत होती है, क्योंकि हर पल सांस घटती है, जीवन घटता है, चुनौतियां बढ़ती हैं, क्योंकि समय हमको मौका नहीं देता, तो काल हमारे ऊपर सर के ऊपर हमेशा तैयार रहता है, उसका समय कब आएगा कब पकड़ेगा ये ना आपको मालूम है ना मेरे को मालूम, परंतु तैयारी हमको पहले से करनी पड़ेगी। ये तैयारी हम जो यात्राओं की कर रहे हैं उन यात्राओं क्या देख रहे हैं कि जो हम समय दे रहे हैं पहले से हमको अलर्ट होना पड़ रहा है, परंतु अब हम इस तैयारी को कहां ले जाएंगे, वो मेरा आपका मेन रीजन ये है कि हम इस लोक की तैयारी के लिए 2 से 3 महीने पहले अलर्ट होते हैं, तैयार होते हैं, उसका लाभ 3 महीने बाद मिलता है, जैसी कृपा है वही आनंद है। अब मेरा इस यात्राओं के अधीन आपको जो आप यात्राएं करती हैं, जो तैयारी करते हैं, उस तैयारियों से आपको अलर्ट करने का मेरा रीजन है कि जो आप तैयारी करें कहां करें, इस तैयारी का लाभ आपको मिलता है, यात्रा के रूप में मिलता है, बड़ा मन प्रसन्न होता है जब हमको हमारी सीट मिलती है, क्योंकि हमने 2 महीने पहले मेहनत की, उसका लाभ 2 महीने बाद मिल रहा है, परंतु उसके लिए क्या तैयारी है जो संसार प्रभु ने आपको दिया है,
जो पल पल काल के गाल में आप समाये जा रहे हो, परंतु आपकी तैयारी उसकी वो 1% नहीं है, क्योंकि माया में आप डूब चुके हो। तैयारी उसकी कर रहे हो जो 12 से 14 घंटे की यात्रा है, उसकी तैयारी नहीं है आपके पास। हमको पता ही नहीं, आने वाला जीवन ये छोटा सा जीवन है, 40, 50, 60, 70 साल का जीवन है, लेकिन इससे आगे का जीवन किसी को नहीं मालूम। इसका जीवन की आयु 1000 साल भी हो सकती है, 500 साल भी हो सकती है, 2000 साल भी हो सकती है। क्यों? कि ये चेतन आत्मा कभी भी जीवन ठहराव नहीं है इसमें। आप संसार में जो भी प्राणी, जीव जंतु, परंतु जो भी आप देखते होंगे, कोई भी तिल भर भी रुकता नहीं है, समय पर्वत की तरह चलता रहता है समय के साथ। क्योंकि आज जो हम तैयारी और हमारा ये पिक्चर बनाने का एक ही रीजन है कि हमारी तैयारी हो कहां रही है, परलोक के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी हमको। क्यों? कि उसके लिए ना तो वो टाइम है, क्योंकि उसके लिए तो हमने सोच लिया, उस यात्रा के लिए हमको टाइम आएगा वो हमने सोच लिया, इस यात्रा के लिए कोई टाइम नहीं है। ये यात्रा कभी भी तत्काल, जिसको बोलते हैं तत्काल, पल की पता नहीं आज की सुबह और ये नहीं मालूम मेरी शाम है कि नहीं। क्यों? संसार धूप और छांव का खेल है, और जो जीवन मनुष्य का मिला है किसके लिए मिला है? इस तन को नर से नारायण बनाने के लिए मिला है। उस चेतन आत्मा जो हमारे भीतर वास करती है, जिस दिन से इस जीवन में प्रवेश किया है शरीर के अंदर, और जब तक रहेंगे एक पल आराम नहीं करती है। क्यों? तो वो नारायण है, नारायण कभी रुकते नहीं है, आराम नहीं करते, परंतु हम उस चीज पर जो हमको ध्यान देना चाहिए, हमारा ध्यान माया और जो व्यवस्था है जो भगवान ने बनाई है, माया बनी उसमें फंस चुके हम, परिवार में, बच्चों में, नाती में, पोतों में, क्योंकि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? क्योंकि तैयारी सबसे बड़ा संकेत होती है हमारे आने वाले समय की, तैयारी क्या करनी है। अब ये रिजर्वेशन हमने करा, उसका लाभ हमने देखा, परंतु वो परलोक की यात्रा करनी है उसकी क्या तैयारी है? क्योंकि बिना यात्रा, आपने देखा होगा जनरल की यात्रा आपको कैसा आनंद देगी, वो एक लापरवाही जनरल में जो धक्के खाएंगे आप, आपका सारा धन, सारा वैभव वो जनरल डिब्बे में, जब आपको महसूस होगा कि एक गलती आज इस हाल में पहुंचा दी है। और परलोक की तैयारी फेल होने का रीजन क्या है, वो यातना क्या होंगी, उसकी रिजल्ट क्या होंगे, कभी आप कल्पना नहीं करोगे। आपका एक स्कूटर भी पंक्चर होता है, जब उसको रोड पर खींचते हो तब लगता महसूस होता है कि इसमें अगर एक स्टेप नहीं होती तो मेरा ये पसीना बाहर नहीं होता, क्योंकि तैयारी आने वाले समय का संकेत होती है। इसलिए मेरा विजन एक ही कहता है, नर सेवा ही नारायण सेवा, और मैं इस सेवा को आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि आप तैयारी इस लोक की और परलोक की दोनों का विजन लेके चलिए। क्योंकि इस लोक की व्यवस्था फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, परलोक की व्यवस्था फेल होगी उसके लिए क्या समय मिलेगा प्रभु, सांस मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इसकी कोई तैयारी नहीं अपने पास। इसलिए नर सेवा ही नारायण सेवा, मेरा हृदय का आनंद जिसमें मैं रहता हूं। हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए? समय हमको नहीं मिलेगा, मृत्यु इंतजार नहीं करती है, हमारी सांसें जो हमको भगवान ने दी हैं, किस लिए दी हैं? और हम उस चीज को माया जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि यही प्रभु की लीला है और यही माया है। क्योंकि इस माया से पार पाना, बड़े बड़े ऋषियों भी इसमें डूबे हैं, राजा भी डूबे हैं, और ये माया उस अधीन है कि प्रभु इस परम शक्ति में जो आप विराजमान रहते हो, उस आनंद को आप भी जानते हो, क्योंकि संसार माया के अधीन है। आप उस माया का पर्दा हटाएं और उस इस लोक और परलोक दोनों की तैयारी करें, क्योंकि यही मेरा यही कहना रहता है कि आनंद ही परमानंद है, और परमानंद पाने के लिए आप आज से ही तैयार हो जाएं, इस लोक की तैयारी और परलोक की तैयारी। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।